मैं डॉक्टर अनीता रानी सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्य कर रही हूँ। आज मैं आपको सोयाबीन की नई वैरायटी MRC SL1 के बारे में बताना चाहूँगी। इस वैरायटी को 2020 में पूर्वी क्षेत्र के लिए रिलीज किया गया था। पूर्वी क्षेत्र में जो राज्य आते हैं वो है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यह वैरायटी हमारी लोकप्रिय वैरायटी JS 335 के जैसी है। इसमें ज़्यादातर गुण JS 335 के जैसे हैं। JS 335 में YMB येलो मोज़ेक वायरस की समस्या को देखते हुए उसको दूर करने के लिए इस वैरायटी का विकास किया गया था। इस वैरायटी में YMB के अलावा चारकोलोट और पोर्ट ब्लाइट की समस्या भी नहीं आती है और कीड़ों का प्रकोप भी इसमें बहुत कम आता है। यह 335 की तरह 105 दिन में पक जाती है और इसका जो एवरेज उत्पादन है उस जोन में वो है 17 क्विंटल, पर रांची के ट्रायल में 25 क्विंटल तक भी लिया गया है। अगर पूर्वी क्षेत्र के किसान भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा दी गई अनुशंसाओं का पालन करते हैं तो वो भी 25 क्विंटल तक इसका उत्पादन ले सकते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ पूर्वी क्षेत्र के किसान इस वैरायटी को लगाएंगे और इसका लाभ उठाएंगे।